शुक्रिया आप लोगों के क्रोध बहुत कम इसको बंद कर दीजिए टाइम पे यहाँ आने के लिए। और आपको याद होगा कि मैंने कुछ दिन पहले एक दो दिन पहले आपको बताया था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है कोड ऑफ कंडक्ट की वॉल्यूशन कर रहे हैं और जो है कि एक्स चीफ मिनिस्टर दो जो है इन लोगों ने जैसे पहले बंदूक से डराया लोगों को, आर्मी से डराया, पुलिस से डराया, अब कुछ और हरबे इनके चल रहे हैं और यहाँ तक भी सुनने आया है कि यहाँ के इनके जो कैंडिडेट्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, क्योंकि इनकी आदतें रही है, फितरत रही है, इन्होंने FIR लगवाए हैं बहुत सारे लोगों को स्टोन पेल्टर्स केसेस में, और अभी तक अब ये सुनने में आ रहा है कि बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ये लोग आर्मी एंड पुलिस के थ्रू लोगों को डराने धमकाने की कोशिश की है। इनके लोकल लीडर्स ने लोकल आर्मी मेजर के साथ गए, चाय पिया, कॉफी पिया उधर, और वहां से निकले, फिर लोगों को ये कहा कि देखो मैं मेजर के पास था, चाय पी रहा था, कॉफी पी रहा था, अब अगर तूने मेरे को वोट नहीं डाला तो मैं तुम्हें उठवा दूंगा। तो सेकंड एक ये है, इलेक्शन कमीशनर ऑफ इंडिया से मेरी अपील है कि ये लोग जो नाजायज फायदा उठा रहे हैं, जो वर्कर्स को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, ये सब चीजें बंद हो, और जहां पर ऐसा हो रहा है वहां पर उस कैंडिडेट को डिसमिस किया जाए। साथ में मेरी ये गुजारिश है कि अगर कानून देश का बदला, जम्मू कश्मीर का 2019 एब्रोगेशन आर्टिकल के बाद अगर सभी कानून बदले गए, अगर सिंबल्स बदले गए, अगर निशान बदला गया, अगर देश का निशान बना बदला गया यहाँ का जम्मू कश्मीर का, तो मुझे ये बताइए, मैं इलेक्शन कमीशन से मेरी अपील है कि ये जो सिंबल आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस को दे के रखा है हल, इसका दूसरा निशान जो है वो माने ये भी बनता है कि वो रिप्रेजेंट करता है जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट को जो पुराना था, जो अब स्टेटहुड नहीं रहा। इसलिए कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है, इस अभी जो हुआ वो हुआ साउथ कश्मीर में, लेकिन सेंट्रल एंड नॉर्थ कश्मीर में इस सिंबल को बैन किया जाए। और कलमदाबाद का जो निशान है, क्योंकि सभी कानून बदले गए हैं और जब कानून बदले जाते हैं जो रियासती सरकारें होती है कि उनके सिंबल्स भी चेंज होते हैं, तो कलमदाबाद का भी सिंबल जो है चेंज किया जाए। ये मैं अपील इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कर रहा हूँ। आज फिर से मैं शुक्रगुजार हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, जैसे परसों हमने उनको बताया, उन्होंने उसके ऊपर कार्रवाई की, और मैं यकीन मानता हूं कि इसके ऊपर भी कार्रवाई होगी, क्योंकि आप जानते हैं इन्होंने 89 में मुत्तहिदा महाज को डराया, धमकाया, उनको परेशान किया, उनको जेल में भरा, तो उन्होंने एक गलत रास्ता इख्तियार किया, क्योंकि आज इनके पास एक डिप्रेशन एंड फ्रस्ट्रेशन आ चुकी है, तो इनको ये भी नहीं पता चल रहा है कि हम क्या क्या पीछे से करते जा रहे हैं। मेरी अपील है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कि इनको मॉनिटर किया जाए और देखा जाए कि ये सरकारी बिल्डिंग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि गैर कानूनी है, सरकारी बिल्डिंग्स में पोस्टर नहीं लगा सकते हैं, गैर कानूनी है, नारे जो ये दे रहे हैं, तो मैंने साउथ कश्मीर में इल्तिजा मुफ्ती के प्रेस जलसों में मुझे ये समझ में नहीं आता कि इस पार भी लेंगे उस पार भी लेंगे वो क्या कहना चाहती है। तो ये जो वॉयलेशन हो रही है, ये जो संविधान के खिलाफ बात कर रहे हैं, ये जो दहशत फैला रहे हैं ये लोग, और सरजान बरकती वाली नाराबाजी जो PDP के जलसों में चल रही है उसको फटोफट बैन किया जाए, ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से इलेक्शंस किया जाए जम्मू कश्मीर के अंदर, और लोगों को डराया धमकाया न जाए। मैं अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से आज एडवोकेट बिलाल लोधी को, अजहर लोधी को, खान साहब कॉन्स्टिट्यूएंसी का कैंडिडेट डिक्लेयर करता हूं, और इन्हीं अल्फाजों के साथ आप लोगों का शुक्रिया। कोई सवाल होगा तो पूछिएगा, इसको बता देंगे हम ऑलमोस्ट कल 11 बजे के बाद ही, 12 बजे के बाद ही बता पाएंगे कल कितने कहां कहां से फॉर्म भरेंगे तो बता देंगे। रट ले लीजिए, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP जो है लास्ट में BJP के साथ मिलेंगे। आप ये मेरे खून से लिख के लीजिए, मेरी पॉलिटिकल, ये मेरा सियासत का तजुर्बा है, मेरा 35 साल का तजुर्बा है,
जब वक्त आएगा ये बीजेपी की तरफ अपना रुख करेंगे। वो तो जी बात चल रही है अंदर से उन लोगों की, यहाँ तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की अंदरूनी बातचीत चल रही है भाजपा के साथ, कौन सी नई बात। हम ये मानते हैं, ये हमारी हमारा तजुर्बा है कि जैसे वक्त आएगा, मैं आपको बता दूं कि जब भी उन्होंने इत्तेहाद, जब उन्हें निकाह पड़े थे बीजेपी के साथ इससे पहले, और उस वक्त दूसरा चेहरा इनका सामने आया था, और उसके बाद महबूबा मुफ्ती ने भी उनके साथ जो है कॉलिशन की थी, और उनने कहा था उस वक्त की जम्मू कश्मीर की मजबूरी है, तो ये वही दो पार्टी है। नहीं धोखा नहीं, लेकिन मैंने साफ धोखा नहीं दिया लोगों को। मैंने कहा 370 जो है, बिकॉज पार्लियामेंट में हमारी मेजोरिटी नहीं बन पाएगी, अगर हमारे भी 12 मेंबर पार्लियामेंट से आप ऐड करोगे तब भी पार्लियामेंट के अंदर मेजोरिटी साबित करना बड़ा मुश्किल होगा। तो 370 की मैंने कभी बात नहीं की। मैंने सिक्योरिटीहुड की बात की, मैंने स्टोन पेल्टर्स के केस को रिवो करने की बात की, जेलों में लोग जो बंद है उनको छोड़ने की बात की, केसीसी लोन माफ करने की बात की, जो हमारे मैनिफेस्टो में कुछ भी पॉसिबल है। वो अंदर से किसके साथ कॉलिशन करता है कौन जानता है। अभी आप तो समझते हैं, सभी लोग समझदार हैं, ये जो इमोशनल कार्ड खेला गया है इससे पहले भी, और वो किन बद बिना पे, नहीं तो यूएपी में कोई जमानत नहीं होती, आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं, 7 साल तक तो कोई जमानत नहीं होती। अब अगर जमानत मिलती है तो आप भी समझदार है, हम भी। देखो ब्लॉक प्रेसिडेंट क्यों बनाना चाहते हो, राज्यसभा में जा रहा हूं तो ब्लॉक सदर, क्या मेरी शक्ल आपको अच्छी नहीं लगती?